हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमयू एंट्रेंस क्रैकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11 साइंस स्ट्रीम के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि हो चुका है आज, और इसकी आंसर की हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा कि आपके जो हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपके सिलेक्शन होने के कितने परसेंट चांसेस रहेंगे। हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे इस बार का, डिफ़िकल्टी लेवल भी बताएंगे, और अगली वीडियो हम डिटेल आंसर की लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम डिटेल सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं हर एक क्वेश्चन का। तो अभी आपको सिर्फ इसकी आंसर की पता चलने वाली है इस वीडियो में, तो अभी आप आंसर मैच कर लीजिएगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका क्लास टेंथ पर बेस्ड है, क्लास टेंथ का रियल नंबर पर ही है, रियल नंबर का ये आइडेंटिटी बेस्ड है, इक्वली डिविजन लेमा का है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर टू में पाई माइनस 22/7, तो अगर हम इरेशनल नंबर में से कोई इरेशनल नंबर माइनस कर देंगे तो आंसर इरेशनल ही रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री जो रहेगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा ए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है 5^10, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट ऑप्शन जो है ए है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो आपका ऑप्शन ए, -1, यानी एक्स की वैल्यू दो आएंगी निकल कर, यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू -1 और दूसरी पॉजिटिव 2 रहेगी, करेक्ट ऑप्शन ए। देन इसके बाद यहाँ के की वैल्यू निकालिए, यूनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -6, के इज़ नॉट इक्वल टू -6, ठीक। देन अगला क्वेश्चन है, पेयर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिड्यूसिंग मेथड की है, लेकिन x माइनस वाई का मोड पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा +1, करेक्ट ऑप्शन सी। देन अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी है, 3, 4 and 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अंदर x³ - y³ पूछ रहे हैं, तो इसमें जो आएगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ए की वैल्यू निकलवाई गई है, और ए की वैल्यू जाएगी वो आपकी फ्रैक्शन में आएगी, 3/2, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो ये आपका क्लास टेंथ का है, एपी बेस्ड, तो ये सम ऑफ एंड टर्म जो बता रहे हैं इक्वेशन की फॉर्म में, एंथ टर्म पूछ रहे हैं, एंथ टर्म कितनी होंगी इसकी, मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछी गई है, तो 10n-2, करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। देन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पर वैल्यू जो आएगी -5 की आएगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट रेशियो डज द लाइन, ठीक है, इसमें भी लाइन सेगमेंट, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये सवाल, और निहायत ही आसान सवाल है, तो इसमें रेशियो पूछा गया आपसे, तो रेशियो आएगा 2:3 का, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं, तो x+y की वैल्यूज पूछी गई है W and Z की फॉर्म में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 180-W+Z, करेक्ट ऑप्शन हो गया एक आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आपको रेगुलर पेंटागन दे रखा है, इसमें वैल्यू पूछी गई है एंगल x की, तो एंगल x की करेक्ट वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री, ठीक। देन अगला क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है एंगल PTA, तो इन एंगल PTA की वैल्यू जो आएगी आपके 30 डिग्री आएगी। अब ये कैसे आएगी, डिटेल आंसर की मैं बताएंगे हमको डिटेल सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो अंदर सर्कल बन रहा है इसका आपको बताना है रेडियस, तो इसकी रेडियस जो है वो रह जाएगी आपकी सी ऑप्शन, मतलब 2√2-1, इसका करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा। देन अगला क्वेश्चन है कि क्लॉक मतलब एरिया ऑफ सेक्टर पर बेस्ड है, तो आपसे पूछा गया 11:20 से लेकर 11:55 तक कितना एरिया कवर कर लेगी आपकी आवर हैंड, तो इसका करेक्ट एरिया जो आएगा वो 5.5 cm². क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखिए, आपसे पूछा गया रेडियाई ऑफ द सर्किल, इन दोनों सर्किल की रेडियाई निकालनी है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 4 cm and 10 cm, ठीक, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले जो पूछा गया आपसे, पूछा गया रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब के अंदर आपको एक स्फीयर रखना है, तो इसके अंदर आपसे इनके वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा गया है, तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 6:2, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। देन अगला क्वेश्चन जो है आपका,
इसमें आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछा गया है, तो इसके अंदर 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई और जेड, करेक्ट ऑप्शन सी। 23 के अंदर आइए, 23 के अंदर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 140%, 140%, करेक्ट ऑप्शन ए। देन 24 के अंदर जो है आपको इसकी साइन कॉस वगैरह की वैल्यू जो आएगी वो करेक्ट वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई होने के बाद, वन, ऑप्शन वन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। को 26 के अंदर ये आपसे पूछा गया है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, 10th की बुक का, तो इसमें 25 मीटर हाइट आएगी टावर की। देन 27 के अंदर जो रहेगा वो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, हिस्टोग्राम। देन इसमें ये प्रोबेबिलिटीज है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2/5। देन आपको जो है ये भी प्रोबेबिलिटी का सवाल देखने को मिलेगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2/11, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है 2:1 का रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का जो है डिफ़िकल्टी लेवल आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का है, ना ज़्यादा ईजी है ना ज़्यादा टफ है, मॉडरेट लेवल का बनाया गया है। अगर आपने 9th और 10th की मैथमेटिक्स सिर्फ NCERT भी की होगी अच्छी तरीके से, तो आपने ईजिली इसमें से 30 में से 20 से लेकर 25-28 तक आपने मार्क्स स्कोर कर लिए होंगे। तो ओवरऑल मैथ जो है मॉडरेट लेवल का है। अब चलते हैं हम आगे और 31 के अंदर चलते हैं। 31 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। देन अगला जो है द टर्म गंबिट एसोसिएटेड विद चेस, इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। देन अगला सवाल है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। देन अगले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ अवार्ड। देन अगला खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर, खेल रत्न अवार्ड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ध्यानचंद यानी कि ए रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो इसका जो 36 का करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। 37 की अगर बात करें तो 37 का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो ए रहेगा। और 38 की अगर बात करें तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी रहेगा। ये इंग्लिश का पार्ट चल रहा है, इंग्लिश के 5 मार्क्स की इंग्लिश भी आपसे इस बार पूछी गई है एंट्रेंस में। वैसे जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती थी, इस बार से इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया है एमयू के एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसका 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 40 के अंदर, तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। और इसके अलावा 41 की अगर बात करें तो 41 में कुतुब मीनार से रिलेटेड सवाल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार को। सुल्तान बलबन का ओरिजिनल नाम पूछ रहे हैं, तो उनका ओरिजिनल नाम था ग्यास खान सुल्तान बलबन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है 43, तो 43 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। और अगला जो सवाल है मोहम्मद बिन तोगलक रिनेम्ड विद साउथ इंडियन सिटी एज दौलताबाद, तो देवानारी का नाम जो रखा है यानी करेक्ट ऑप्शन बी, देवानारी का नाम दौलताबाद रख दिया था अलाउद्दीन, सॉरी मोहम्मद बिन तोगलक ने। अगला सवाल है 45 के अंदर करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। लक बख्श का टाइटल दिया था सुल्तान ने, किसे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। गोल गुम्बज इज फाइनली रेस्टिंग प्लेस ऑफ, किसका रेस्टिंग प्लेस है, मोहम्मद आदिल शाह का रेस्टिंग प्लेस है वो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और 47 की अगर बात करें तो वुमेन्स चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेगम सुल्तान जहाँ। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर कर आए होंगे, वो समझेंगे वाइस चांसलर, लेकिन ये पूछना है सिर्फ चांसलर के बारे में, ठीक है, बेगम सुल्तान जहाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज एक्ट, एक्ट ऑफ किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी और किस सन में बनाई गई थी, तो 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ था। ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है। अगला सवाल है सर सैयद अहमद खान वार पोस्टेड एट द आउट ब्रेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका गाजीपुर। देन अगला वाला है हु अमंग द फॉलोइंग वी आर नॉट एसोसिएटेड विद MOO कॉलेज, इनमें से कोई MOO कॉलेज से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा। अगला सवाल अ फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया है, फिजिक्स शुरू हो रही है यहाँ से,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है सही ग्राफ बना हुआ है फ्री फॉलिंग के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सी ग्राफ जो है, सी ऑप्शन पर ग्राफ जो बना हुआ है एकदम सही बना हुआ है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए बना हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है 11/13। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन से फोर्स को, सॉरी कौन से मोशन को फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। देन अगला वाला जो सवाल है 54 के अंदर आपसे पूछा गया फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो यहाँ पर 20 N फोर्स एक्ट करने वाला बॉडी पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 56 के अंदर करते हैं, 56 के अंदर आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है यहाँ पर, तो 1:2 करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 9 kg रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 18 m, फ्रीक्वेंसी जो रहेगी 18 m। साउंड वेव, तो ये आपका 9th class की फिजिक्स से आया, बिल्कुल आसान है, ये 2-3 सवाल जो है आपके बिल्कुल 9th class की फिजिक्स से रिलेटेड है और इजीली बहुत आसानी से सब बच्चों ने इसे अटैम्प्ट भी किया है, बहुत अच्छे मार्क्स भी फिजिक्स में स्कोर कर रहे हैं। तो साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं होती, साउंड का ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि लाइट को नहीं होती मीडियम की ज़रूरत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें पूछा गया है पावर विल बी इलेक्ट्रिक बल्ब पर 40 वाट मार के और 200 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और 100 वोल्ट की इसमें हमने वोल्टेज की सप्लाई दी है, तो अब पावर पूछी गई हमसे, तो करेक्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 10 वाट की पावर की रिक्वायरमेंट होने वाली है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि इसमें करंट पूछ रहे हैं, तो करंट इसमें जो रहने वाला है वो 0 A का करंट रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा 62 का, उसका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के अंदर जो रहेगा ये जो है आपका 0.2 tesla रहेगा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर कर आए हैं, ये आपका 10th का पार्ट नहीं है, 10th में बस थ्योरी बेस्ड था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो चैप्टर 4 है फिजिक्स का वो पूरा थ्योरी बेस्ड था, ये 11th class का है, तो इसमें हालांकि बहुत बच्चे कम अटेम्प्ट कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 66 का करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि डी। 67 के अंदर जो रहने वाला है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पूछ रहे हैं, तो ऑक्सीजन एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन, 67 का सी रहने वाला है। जेल इसकोलेटेड सॉल्यूशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है लिक्विड एंड सॉलिड 68 के अंदर। देन अगला क्वेश्चन है बटर इज एग्जांपल ऑफ, बटर किसकी एग्जांपल है, फॉर्म की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, एसिड रेन कब बोला जाता है, जब भी पानी की जो है पीएच लेवल 5.6 से कम होता है तो वो एसिड रेन के में आता है, ठीक है। और एसिड रेन क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों होती है एसिड रेन, के कॉजेज आपको पता होंगे अच्छे तरीके से, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने इफ पीएच सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के अंदर जो पूछा गया आपसे उसका करेक्ट ऑप्शन है 1000 times, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो अगला पूछा गया मास ऑफ 0.4 moles ऑफ नाइट्रोजन गैस 0.4 mole की उसका मास पूछा गया है, तो 11.2 gram रहेगा। देन द पीएच एट विच टूथ डिके स्टार्टेड, दांतों का गलना चढ़ना खराब, दांतों के अंदर जो दांत गलना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो पीएच लेस देन उनका कितना होता है 5.5, दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। आंट स्टिंग विच हैज एसिड, तो आंट स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथनोइक एसिड होता है बेटा। 75 की अगर बात करें तो 75 में जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बीच में। और अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो आपका 76 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा इथीन, करेक्ट ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी रहेगा, और
78 के अंदर नेचुरल गैस किस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एग्जांपल है किसकी, तो यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल ए। केमिकल फार्मूला पूछा गया मार्बल का, तो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 के अंदर बेकिंग विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 81 के अंदर किसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट बी ऑप्शन। नेक्स्ट 82 के अंदर बात करी जा रही है, 82 का करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी मेटालॉइड। नेक्स्ट 84 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सनलाइट, बी ऑप्शन करेक्ट है। 85 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है DNA, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो सी पार्ट रहने वाला है, येलो कॉम अराउंड। 88 का करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए। 89 का करेक्ट ऑप्शन लीफ बर्ड। 90 का करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा। 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी। 92 का करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा। 93 का करेक्ट ऑप्शन सी। 94 का करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा। 95 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। और 96 का करेक्ट ऑप्शन सी। देन 97 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। 98 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 99 का करेक्ट ऑप्शन है सी। और इसका 100 का करेक्ट ऑप्शन है सी। तो ये थे आपकी जो है क्लास 11th की आंसर की, और इसमें आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन पेपर सीरीज जो है बी है, तो आपकी सीरीज हो सकता है कि अलग अलग हो, ए बी सी डी या कुछ भी हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को मैच कर लीजिएगा कि आप सही करके आए हैं गलत करके आए हैं। और साथ के साथ जो है कॉमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है एएमयू की इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं या वेटिंग आने के चांसेस हैं, तो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल अभी आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद हमें अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। और अगर हम पेपर की ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैथ जो है आपका एकदम मॉडरेट लेवल का है, फिज़िक्स जो है पूरी 9th और 10th बेस है, और केमिस्ट्री भी आसान है मॉडरेट लेवल की है, लेकिन बायो जो है आपकी थोड़ी टफ है। बाकी ओवरऑल पेपर की अगर बात करें तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के बराबर ही जाने वाली है, लेकिन और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ रहेगी। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।